अगली खबर में बात करते हैं मुरैना की, जहां बान मोर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम समाज के लड़के ने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी की, फिर 3 बच्चियां पैदा की, उसके बाद अब उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। अब अपनी 3 मासूम बेटियों के मां दर दर की ठोकरें खा रही है। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ उसने बानमोर थाने में पति व ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि महिला बानमोर निवासी सलमान ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसने उससे प्रेम विवाह कर लिया। यह बात वर्ष 2013 की है। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इसी बीच महिला के एक एक करके 3 बेटियां हुई। अब युवक सलमान ने दूसरी शादी कर ली है और इस महिला से किनारा कर लिया है। अपने साथ हुआ लव जिहाद का यह धोखा महिला को शादी के 10 साल बाद समझ में आया है। अब महिला अपनी 3 बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला ने बताया कि उसे अपनी चिंता नहीं है, उसे तो 3 बेटियों की चिंता है, उनका गुजारा भत्ता कैसे होगा और आगे चलकर उन्हें कौन अपनाएगा। महिला ने बताया कि ससुराल में उसके सास ससुर उससे परेशान करते हैं, वे उसे घर से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन उसके सामने यह समस्या है कि वह अपनी 3 बच्चियों को लेकर जाए तो कहां जाए। मुरैना के बानमोर कस्बे में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की से वर्ष 2013 में शादी की और उसके बाद उसके 3 बच्चियाँ हो गयी। अब उस युवक ने उस लड़की को छोड़ दिया है के साथ ही युवक ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे यह महिला अपने 3 बच्चों के साथ इधर उधर भटक रही है। मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने लव मैरिज की थी, मैं इंदौर में रहती थी, मुझे जी 2013 में मेरे हस्बैंड ने धोखे से इधर आके दूसरी शादी कर ली है, मुझे नहीं रखना चाह रहा है। अभी आप कहाँ रहती हो? जी मैं अभी उसके घर पे ही आ चुकी हूँ। वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, खाना वगैरह भी नहीं देते है। कितने बच्चे हैं? जी मेरी 3 बेटी है। कैसे होता हुआ भरण पोषण, कैसे काम चलता हुआ आपका और बच्चे? जी बस ऐसे थोड़ा बहुत काम इधर उधर करके मेरा गुजारा चल जाता है। मुझे बताया ही नहीं, मुझे धोखे में रख के शादी कर ली। तो क्या नाम है हस्बैंड का? सलमान। सलमान जी, बेसिकली वो मोमडन है। आप भी मोमडन थी पहले या अभी मोमडन है? पहले आप मतलब किस धर्म से थी? जी मैं पहले हिंदू थी, बाद में मतलब शादी करने के बाद मोमडन हो गए। जी जी, अभी आप मोमडन सरनेम वगैरह लगा रहे हो? जी जी जी, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए।